दबंगों से गांव के लोग परेशान, शिकायत पर भी नहीं हुई कार्रवाई। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जनपद अलीगढ़ के अकराबाद थाना क्षेत्र का मामला। आग लगने से ग्रामीणों में मचा हड़कंप, गैस लीक होने से लगी सिलेंडर में आग। सूचना पर पहुंचे दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू। थाना फतेहगढ़ क्षेत्र के गांव भगतपुर का मामला। संभल में युवती से गैंगरेप, मंगेतर के सामने युवती से गैंगरेप का आरोप। मंगेतर के साथ बहन के घर जा रही युवती के साथ तीन युवकों ने दिया वारदात को अंजाम। कोतवाली बेजोई क्षेत्र का मामला। कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन कर जहरीली शराब के खिलाफ बोला हल्ला। जहरीली शराब से होने वाली मौतों की जिम्मेदार सरकार की आंखें खोलने के लिए अम्बेडकर पार्क में कांग्रेसियों का प्रदर्शन। माल से भरे कैंटर लूटने वाले गैंग के दो वांटेड बदमाश गिरफ्तार, चार बदमाश फरार। गिरफ्तार बदमाशों से लाखों की कीमत के लूटे गए मसाले किए बरामद। प्रधान पुत्र ने पहले की तमंचा पार्टी, फिर भी बच्ची को मार दी गोली। एसपी ग्रामीण ने दिए जांच के आदेश। अलीगढ़ के थाना गोणा क्षेत्र के गांव हृदय की नगरिया का मामला। संभल में कलियुगी बच्चों से तंग आकर वृद्ध महिला ने गंगा की में लगाई छलांग। नाविकों ने घंटों की कोशिश के बाद वृद्धा को गंगा से सकुशल बाहर निकाला। संभल के थाना गुन्नौर के बबराला राजघाट का मामला। पहले की मारपीट, फिर करा दिया मुकदमा दर्ज। विरोध करने पर मार दी गोली। न्याय के लिए दर दर भटक रहा प्रधान पक्ष परिवार। अलीगढ़ के थाना इलाज के गांव मोजीपुर गांव का मामला। जहरीली शराब कांड को लेकर एडीजी आगरा जोन राजीव कृष्ण ने पत्रकारों से की वार्ता। एडीजी ने कहा शराब कांड के आरोपियों के खिलाफ पुलिस अदालत में मजबूत पैरवी करेगी। रोडवेज व बाइक में हुई भीषण भिड़ंत में बाइक सवार पिता पुत्री की मौत। एक पुत्री घायल। थाना नकाता क्षेत्र के नाठेर का मामला।